अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, हम यूएई में वापस आ गए हैं। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बद परहेजी हो गई है, तो जो अभी तक गला ठीक नहीं हुआ। खैर, आज मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर्स। हाँ, 2-3 साल से इस मूवी का वेट है और 2-3 साल से इस मूवी का वेट कर रहे हैं और मूवी का नाम है पठान। ऑनलाइन टिकट बुक करवा दी थी, फैमिली के साथ नहीं, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं। तो 8 बजे की टाइमिंग है, इससे पहले कि लेट हो जाए तो चलते हैं मूवी देखने। वैसे आज सुबह भी बारिश हुई है यहां और कल रात को भी बारिश हो रही थी अबू धाबी में, इसीलिए गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है। अब एक आधे दिन में इसको भी वॉश करवाएंगे। खैर, अभी विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो एंड टू वॉच मूवी और आपको रिव्यूज़ देता हूँ उसको और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का सिनेमा बाहर से कैसा होता है, अंदर से नहीं बाहर से। चलें, चलते हैं और दोस्तों को पिक करते हैं। सो अब अदनान भाई के घर में आ गए हैं, घर में नहीं बाहर आया हूँ, तो उन्हें कॉल करते हैं कि भाई जल्दी से आ जाएं इससे पहले जो लेट हो जाए। अबू धाबी या पाकिस्तान नहीं, गला तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। खैर, ये मूवी 2-3 साल से इसका वेट था, जो कि अब रिलीज़ हुई है, आज 25th को रिलीज़ हुई है जो हम देखने जा रहे हैं। और ये है कि शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पे वापस आ रहा है, तो ये आ गए अदनान भाई भी। भाई आप ड्राइव करें, ये हैं अदनान भाई बैठे। दोस्तों, ये रहा रॉयल सिनेमा जहाँ की हमने टिकट परचेज किया, जा रहे हैं अंदर। राइट नाउ गाइस, अभी इंटरवल हुआ है, मूवी बहुत मज़े की है, बहुत एक्शन वाली है और बड़ा मज़ा आ रहा है। अब तक तो खूब मज़ा आया है मूवी देख के, अभी हाफ हुई है तो अभी जाके हाफ मूवी और देखते हैं। इंटरवल के बाद फुली एक्शन है और नो डाउट शाहरुख खान है, किंग इज़ किंग। तो अभी देखते हैं और आगे जाके कि आगे की मूवी और सिचुएशन क्या होती है।
गाइस, व्हाट अ मूवी। बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत मज़े का और बहुत मज़ा आया। और मैं तो ये कहूँगा 5 out of 5, इतनी मज़े की मूवी लगी है। और मैं कमेंट करूँगा कि आप लोग भी सिनेमा में जा कर देखें, क्योंकि इसका मज़ा सिनेमा में ही है, इसका मज़ा घर में नहीं है, जैसी मज़े की ये मूवी है। दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेहरबान।